हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केयर ऑफ डाइंग पेशेंट। तो पहले हमने डिस्कस किया था केयर ऑफ डेड पेशेंट। तो फर्स्टली वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ डाइंग। ए पेशेंट हु इज़ वेरी इल एंड लाइकली टू डाई सून, मतलब कि वो पेशेंट जो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, जिसकी क्रिटिकल कंडीशन हो, या कोई क्रॉनिक डिजीज कंडीशन हो, या कोई डिजीज़ जो अर्ली स्टेज से लेट स्टेज तक पहुंच गई हो, या ऐसा कोई डिसऑर्डर जिसको ठीक करने का कोई चांस ही नहीं, बल्कि हम जो उस डिजीज़ के सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हैं। बट इस चीज़ का फाइनल कंक्लूजन यही है कि पेशेंट मरने वाला है, जो उसके वाइटल फंक्शंस है वो भी काम नहीं करते हैं। अब जो उसकी कंडीशन है वो डे बाई डे डिटेरियरेट होती जा रही है, जो कि हमें इशारा देता है कि पेशेंट इज़ गोइंग टू डाई वेरी सून। तो डेफिनेशन क्या आ गई, ए पेशेंट हु इज़ वेरी इल, जो बहुत ही बीमार होगा, एंड लाइकली टू डाई वेरी सून। तो ये आ गई हमारी डेफिनेशन। नेक्स्ट वी विल सी स्टेज ऑफ डाइंग। डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रॉस, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थी। इसने फाइव स्टेज ऑफ डाइंग बोली, जिसको हम सिंपली याद रखेंगे, निमोनिक डॉबड़ा, डी डिनाइल, एंगर, बारगेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। तो डिनाइल में क्या है, डिनाइल का मतलब है डिनाई करना और रिफ्यूज़ करना। तो इस स्टेज में क्या है कि अगर पेशेंट को हम बोलेंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ऐसी डिजीज़ कंडीशन है, तो वो रिफ्यूज़ करता है, वो नहीं मानता है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे कोई डिजीज़ कंडीशन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या वो बोलेगा कि जो रिपोर्ट्स आई हैं वो गलत हैं, या डॉक्टर ने जो डायग्नोज किया है डिजीज़ वो गलत है। तो मतलब कि इसमें जो पेशेंट है वो डिनाई करता है, वो रिफ्यूज़ करता है, वो नहीं मानता है। तो नेक्स्ट स्टेज क्या है, एंगर। तो इस स्टेज में क्या है, जो डाइंग पेशेंट है वो शरारत करता है। अब जब जो डाइंग पेशेंट ने एक्सेप्ट किया कि डायग्नोज करेक्ट है, तो वो शरारत करता है, वो हेल्थ पर्सनल पे शरारत करता है, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स पे शरारत करता है, वो अपने लाउड वंस पे शरारत करता है। और वो क्या करता है, वो बोलता है वाई मी, मतलब कि मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसे, मेरे साथ ही क्यों हुआ ऐसे। तो इसमें क्या है, जो कुबलर रॉस है, इसने रिकमेंड किया कि डॉक्टर्स हैं, लाउड वंस है, या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको जो है उनको रेस्पॉन्ड यहाँ से नहीं करना है। मतलब कि अगर पेशेंट ने वहाँ से शरारत किया है कि शरारत किया है, तो डॉक्टर को, फैमिली मेम्बर्स को, या लाउड वंस को यहाँ से रेस्पॉन्ड नहीं करना है, उनको सपोर्ट करना है एक डाइंग पेशेंट को। तो नेक्स्ट आ गया बारगेनिंग। तो इस स्टेज में क्या है, जो पेशेंट है वो बारगेन करता है, मतलब बैक करता है, वो डॉक्टर से बैक करता है, फैमिली मेम्बर से बैक करता है, लाउड वन से बैक करता है, इवन गॉड से बैक करता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स से, डॉक्टर से बैक करता है, मुझे केयर करो, मुझे क्योर करो, या गॉड से बैग करता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अपनी फैमिली से स्पेंड करना चाहता हूँ, या डॉक्टर से बोलता है मुझे पेन रिलीव करो। इन सब में है कि मतलब कि जो पेशेंट है, डाइंग पेशेंट है, वो बारगेन करता है, बैग करता है। तो नेक्स्ट स्टेज है डिप्रेशन। अब जब डाइंग पेशेंट को रियलाइज होता है कि अब डेथ जो है इम्पेंडिंग है, मतलब कि अब जो डिजीज कंडीशन है वो ट्रीट नहीं हो सकती है, या जो मरना है अब मतलब कि या अब मरना है, अब जो डाइंग पेशेंट है, अब बारगेन करने से, वो बोलता है अब बारगेन करने से भी कुछ नहीं हुआ, तो उसके बाद वो डिप्रेस होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो सैड रहता है, वो किसी से बात नहीं करता है, वो घर वालों से बात नहीं करता है, वो लाउड वन से बात नहीं करता है, वो लोनली फील करता है। तो इसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। आफ्टर बारगेनिंग क्या, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। उसके बाद
एक्सेप्टेंस, लास्ट स्टेज ऑफ डाइंग। तो लास्टली क्या करता है, वो एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्ट करता है कि मुझे ये डिजीज कंडीशन है, मुझे ये प्रॉब्लम है। तो उसके बाद वो रेडी रहता है केयर लेने को या टू डाई विद डिग्निटी। तो ये आ गई हमारी 5 स्टेज ऑफ डाइंग, जिसको हमने याद रखा, निमोनिक, डाबडा, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। तो नेक्स्ट वी विल सी मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइंग इंडिविजुअल। तो इसमें पहला है असेसिंग नीड्स। अब क्या है कि अब कुछ नीड्स होती हैं जो एक डाइंग पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो उन नीड्स को हम पहले असेस करेंगे, जैसे कि आ गया बाथिंग, आ गया या मूविंग, आ गया पर्सनल हाइजीन, आ गया या कंट्रोलिंग पेन, आ गया मूवमेंट, हाइड्रेशन, आ गया एलिमिनेशन एक्स्ट्रा। तो इनमें क्या करना है, तो ये सब हमने प्रायोरिटाइज करके, मतलब कि पहला कौन सा इम्पोर्टेंट है उस हिसाब से क्या करना है, उस हिसाब से हमने ये देना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ गया वो है एक्सप्लेन द क्लाइंट्स कंडीशन एंड ट्रीटमेंट। हमने क्या करना है, जो क्लाइंट की कंडीशन है या उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमने एक्सप्लेन करना है, क्लाइंट से एक्सप्लेन करना है, या उनकी फैमिली मेम्बर्स को हमने एक्सप्लेन करना है कि अभी क्लाइंट की कौन सी स्टेज है, कौन सी कंडीशन है, या उसको कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है, वो कौन सी दवाई ले रहा है। तो नेक्स्ट है मेंटेनिंग गुड कम्युनिकेशन। उसके बाद क्या है कि हमने पेशेंट के साथ गुड कम्युनिकेशन मेंटेन करनी है, हमने पेशेंट के साथ अच्छे से बात करनी है ना, हमने पेशेंट के साथ शरारत नहीं करनी है। जब हम पेशेंट के साथ अच्छे से बात करेंगे तो क्या होता है, तो जो पेशेंट है वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स हमसे शेयर कर सकता है, वो अपनी जो नीड्स हैं वो हमको बोल सकता है। तो ये आ गई मेंटेनिंग गुड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है प्रमोटिंग सेल्फ केयर एंड सेल्फ एस्टीम। मतलब कि हमने जो इसको, जो पेशेंट है इसको हमने क्या करना है, इसको हमने प्रमोट करना है सेल्फ केयर के लिए, मतलब कि वो खुद का ख्याल कैसे रख सके। हमने जो इसका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करना है ताकि वो अपना केयर कर सके, हमने इसका जो सेल्फ एस्टीम प्रमोट करना है ताकि वो जान सके कि मेरी भी अहमियत है, मेरी भी इम्पोर्टेंस है। तो ये आ गया प्रमोटिंग सेल्फ केयर एंड सेल्फ एस्टीम। नेक्स्ट है अलोविंग फैमिली मेम्बर्स टू असिस्ट इन केयर। मतलब कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम अलो कर सकते हैं कि वो पेशेंट को, पेशेंट की केयर को असिस्ट करें, मतलब कि जब पेशेंट की केयर हो रही है तो हम जो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स हैं उनको हम अलो कर सकते हैं कि वो असिस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो अच्छा फील कर सकता है। मतलब कि जो पेशेंट है वो, उसको लगेगा कि नहीं मेरे साथ अच्छे से ट्रीट किया जाता है या मुझे अच्छी केयर मिलती है, या जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी असिस्ट करते हैं कि मतलब कि पेशेंट को अच्छी केयर मिलती है या अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है या नहीं। तो ये आ गया अलोइंग फैमिली मेम्बर्स टू असिस्ट इन केयर। तो नेक्स्ट है मीटिंग क्लाइंट्स नीड्स। अब उन क्लाइंट्स की नीड्स को कैसे फुलफिल करना है, लाइक आ गया फिजियोलॉजिकल नीड्स है, साइकोलॉजिकल नीड्स है, स्पिरिचुअल नीड्स हैं। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आ गया, लाइक पेन है, मोबिलिटी है, स्किन केयर, एलिमिनेशन, कंफर्ट, फ्लूइड्स एक्स्ट्रा। मतलब ये पेन में क्या है कि अगर किसी पेशेंट को पेन होती है तो पेन को कम करने के लिए क्या क्या करेंगे, या किसी बीमारी की वजह से लाइक टेकिकार्डिया हो गया, मतलब कि हार्ट बीट ज़्यादा होती है या कम होती है, तो इन सब चीज़ों को नॉर्मल करने के लिए आपने क्या क्या करना है, या कोई या पेशेंट डाइंग पेशेंट है वो ऑरली कुछ नहीं लेता है तो उनको जो फ्लूइड्स चलाने पड़ते हैं या कंफर्टेबल पोजिशन देनी है। तो ये आ गया फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब दूसरा है साइकोलॉजिकल नीड्स। तो साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब है कि जो डाइंग पेशेंट है उसको हमने क्या करना है, उसको हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। अगर उसको मतलब कि अगर उसको फ्रस्ट्रेशन है या डिप्रेशन है या स्ट्रेस आ गया है, मतलब कि डिजीज कंडीशन से डिप्रेशन हुआ या स्ट्रेस आ गया,
हमने क्या करना है, तो उसको हमने जो है पॉजिटिव थॉट्स दिमाग में लाने हैं, मतलब कि हमने ऐसे बातें करनी है जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल जिसको वो जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकली स्टेबल हो जाएगा। तो ये आ गया साइकोलॉजिकल नीड। तो नेक्स्ट और लास्ट है स्पिरिचुअल नीड। मतलब कि स्पिरिचुअल नीड का मतलब है कि जो भी पेशेंट के रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनसे हमने क्या करना है, उनसे हमने रेस्पेक्ट करना है उनकी, जिसकी वजह से क्या है जो पेशेंट है वो अच्छा फील कर सकते हैं। या स्पिरिचुअल नीड में क्या करना है, स्पिरिचुअल नीड में क्या आता है कि आप अपना जो पर्सनल रिलीजियस बिलीफ को यूज़ करके जो पेशेंट को हम असिस्ट करते हैं, या पेशेंट का जो रिलीजियस बिलीफ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, या आप उनके लिए जो है हेल्प कर सकते हैं ताकि वो रिलीजियस जो सर्विसेज हैं वो अटेंड कर सकें। या क्या होता है, पेशेंट ऐसे भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्पिरिचुअल कंसर्न्स के बारे में, स्पिरिचुअल उनके कंसर्न्स होते हैं वो उनके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, आपने उनको एनकरेज करना है टू एक्सप्लेन दियर वरीज एंड फियर। तो ये आ गया स्पिरिचुअल नीड्स। तो हमने इसमें पढ़ा कि मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइंग इंडिविजुअल। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि डाइंग स्टेज ऑफ डाइंग मीटिंग द नीड्स ऑफ डाइंग डाइंग पेशेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम उसमें डिस्कस करेंगे साइंस ऑफ अप्रोचिंग डेथ एंड केयर एंड जो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ डाइंग। ओके, थैंक यू।